किचन एंड होम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी व्रत के पकौड़े बनाना बताऊंगी। ये हम बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सिंघाड़े के आटे का हमने ले लिया है, कुट्टू का आटा भी हम ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह पानी से घोल बना लेंगे, जैसे कि हम अपने पकौड़ों का बनाते हैं बेसन वाले, उसी तरह का बैटर हमको इसको बनाना है। लेकिन हमको इसको थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमको इसको बना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह गाढ़ा रखना है। इसको बनाने के पहले एक प्रकार एक सावधानी आप रखना कि जब आपको बनाना हो तभी आप इसमें नमक ऐड करें, पहले से नहीं तो ये इसका घोल ढीला पड़ जाएगा। और इसको हमें टाइट ही रखना है, बहुत थिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला मत कर देना आप, क्योंकि बनते बनते इसका बैटर जो है तो ढीला हो जाता है। तो जब आप बनाएं तभी इसमें नमक ऐड करें। तो अब हम जब बना रहे हैं आपको अभी, इसलिए तो हम नमक ऐड कर रहे हैं अपने स्वाद के अनुसार। ये मैंने धनिया ले लिया है चॉप करके, ग्रीन चिली मैंने दो ले ली, इसको भी हमने चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। ये एकदम सात्विक है, इसलिए एकदम सिंपल और साधारण तरीके से बनाना बता रही हूँ। ये ब्लैक पेपर ले लिया है मैंने, अगर आपको ना डालना हो तो आप ना डालें, स्किप कर सकते हैं। ये एकदम व्रत की है तो इसलिए हमको इसको बहुत कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही जल्दी से बनने वाला बनाना है, इसलिए झटपट मैं बता रही हूँ। ये मैंने जीरा सीड्स ले लिया है, और आप पाउडर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बहुत ही कम सामान में बहुत ही जल्दी से ये नवरात्र की रेसिपी बन जाती है। ये आप किसी भी व्रत में बना सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर बैटर कितना गाढ़ा रखा हुआ है, बनते बनते ये बैटर एकदम पतला हो जाएगा, इसलिए बैटर को हमें गाढ़ा ही रखना है। अब हम इसमें अपने आलू ऐड कर लेंगे। आलू को मैंने यहाँ पर छोटा छोटा कट कर लिया है, अगर आप चाहें तो गोल स्लाइस कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। मैं इनको अब मिक्स कर लूँगी अपने बैटर में, और फटाफट से हमने कढ़ाइया भी हमने अपनी चढ़ा दी है गर्म होने के लिए तेल, ताकि मैं फटाफट से बना लूँ, क्योंकि देर होने पर ये बैटर जो है तो ढीला होने लगेगा और पकौड़े बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमको फटाक से बना लेना है। अगर आपको कम कम बनाना है तो आप थोड़ा थोड़ा बैटर निकाल कर और पकौड़े बनाते जाइए, नमक मिलाते जाइए। अभी एकदम तैयार हो गया, आप देखिए मैंने बैटर कितना थिक बनाया था, अभी हल्का सा पतला हो गया है। तो चलिए अब हम इसको फटाफट से बना लेते हैं। मैं चम्मच से बनाऊंगी, आप हाथ से भी बना सकते हैं। अब कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो गया है, मैंने पहले से चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तब तो मैं इसमें बना लेती हूँ। मैं चम्मच से बना रही हूँ, अगर आप हाथ से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए बैटर हमारा कितनी अच्छी तरह से हो गया है, जो इसके आइट साइड से इसका बैटर जो निकला हुआ है वह बूंदी की तरह लग रहा है एकदम। तो आप इस तरह से व्रत के फलाहारी पकौड़े बनाइए, क्योंकि रोज़ रोज़ साबूदाना या साबूदाने के बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ अलग बनाना चाहिए। तो आप इनको बनाइए और देखिए ये कितने अच्छी तरह से बन रहे हैं। इनको हम गोल्डन होने तक के लिए पलट पलट कर सेक लेंगे, जिस तरह से हम अपने पकौड़े बनाते हैं। तो आप चाहे तो इसको शकरकंदी के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए हम इसको गोल्डन होने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे रेसिपी बनाने के लिए एक इंस्पिरेशन मिल जाती है मुझे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी रेसिपी जो भी आपको बनवाना हो मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर बताऊँगी और उसमें आपका नाम भी लूँगी कि ये मैंने आपके लिए रेसिपी बनाई है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी बजा लीजिएगा, ताकि मेरी अपडेट आपको मिलती रहे। और प्लीज़ आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, बिना आपके सपोर्ट के मैं अपने चैनल को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। तो देखिए बनकर तैयार हो गए हैं, उनको निकाल लेते हैं। निकाल लिया मैंने इनको अपनी प्लेट पर। अगर ये आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो ज़रूर बनाइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।